टेलीकास्ट वाले पी आर न्यूज है ना मेरे भाई, हर साल में चेंज जाते हैं, जोरदार ताले हैं लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं अभी यहाँ जागरण को, जो हर साल मचे जाते हैं। तो मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि 14 जनवरी 2021 को चंडी माता का दरबार बंद होगा, मूर्ति नीचे गांव में आ जाएगी, जो छोटा मंदिर है। तो फेसबुक पे मैंने अमूमन अभी देखता आ रहा हूँ कोई कैसे डाल रहा है कैसे, मैं सबसे विनती करना चाहूंगा कि जरूरी सूचना यह है 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन चंडी माता का दरबार बंद होगा और विसाखी तक वो बंद ही रहेगा। मूर्ति जो काली माता की वो नीचे बीच गांव में छोटा सा मंदिर है जहां भगवती माता जब संस्कार से आई थी तो वहां हुई थी, उस पर भेंट लिखी है, नई भेंट ज्योति माता जी को सुनाना चाहूंगा और आप सबको। कोरोना महामारी पे जो कोरोना फैली थी, इसमें एक और जरूरी सूचना, जो काली माता की मूर्ति है जिसके हाथ में खप्पर है, देख रहे हैं ना आप, जिसने आंखें खोली है, सब आगे देखिए थोड़ा सा भवन में, जिसने आंखें खोली है, ये माता भगवती जब कोरोना महामारी 1820 में लगी थी तो तब इस भगवती के माता की मूर्ति को संस्कार वालों ने चढ़ाया, ये मूर्ति चढ़ाई गई है 1820। तो मैंने विनती की है भजन के तहत, भजन में जब लॉकडाउन में मैं यहाँ से चला गया था तो मैंने भजन लिखा है चंडी माता का कोरोना महामारी के, कि माता भगवती अगर तो 1820 महामारी को खत्म कर सकती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है तो आज भी महामारी को खत्म कर सकती है। तो लो जी सुनो बड़े मीठी मीठी ताली के साथ पुरानी
रूपे हिलाते, किसी को मंदिर हिलाते, किसी को कमर हिलाते दर्शन देती है। ये चंडी मंदा जब किसी भगत पर कृपा करती है तो आंखें खोल कर तेरी दर्शन देती है। तो रात को जब जागरण होता है, ज्योति जगती है, इस माँ भगवती की बड़ी कृपा है। तो ऐसी एक भेंट आपके रूप में करूंगा, सभी ने दोनों हाथ चक्र के ताड़ी के साथ जिसको नचने का मन करेगा नच के हाजिर रहेंगे। जो तेरी आँखों में जगती है दरबार।